50 करोड़ में बिकेंगे रोहित शर्मा। आईपीएल 2025 में इस खास टीम के लिए खेल सकते हैं रोहित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आईपीएल 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए हैं भारतीय क्रिकेट के स्टार रोहित शर्मा। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रोहित शर्मा को खरीदने के लिए अलग से 50-50 करोड़ रुपए का बजट सुरक्षित रखा है। इसके अलावा पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर भी उनके जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स पिछले 10 सीजन से प्लेऑफ तक पहुंचने में विफल रही है। टीम के खराब प्रदर्शन के कारण प्रीति जिंटा की नज़रें एक प्रभावशाली कप्तान पर है। हाल ही में पंजाब किंग्स के हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट संजय बांगर ने रोहित शर्मा को टीम में शामिल करने की संभावनाओं पर संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि अगर रोहित ऑक्शन में आते हैं तो उनकी बोली ऊंची होने की उम्मीद है और इस पर निर्भर करेगा कि पंजाब किंग्स के पास उतना पैसा होगा या नहीं। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन पिछले साल उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया गया। इसके बाद से रोहित और हार्दिक के बीच कप्तानी को लेकर तानातनी की खबरें आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई इंडियंस रोहित को रिटेन नहीं करेगी और वे किसी अन्य टीम के साथ जुड़ सकते हैं। एक वायरल वीडियो के आधार पर ये भी दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के साथ ही रोहित शर्मा के भविष्य पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वे पंजाब किंग्स की कप्तानी के लिए आएंगे या कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ेंगे या फिर मुंबई इंडियंस के साथ बने रहेंगे। इन सभी अटकलों का जवाब केवल समय ही देगा। जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं, क्या आप मानते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी से पंजाब किंग्स को फायदा हो सकता है? अगर हाँ तो क्यों? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।